All right, after so long, welcome to the top 5 shocker of this week. फिर से बता दूं कि इस नवंबर के पहले वीक में ना बहुत अच्छे अच्छे लोगों के बर्थडे होते हैं। अच्छा, हाँ, याद रखना। चल बा। खैर, हैप्पी दिवाली गाइस, शुभ दीपावली। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, दिस इज नॉट लेस देन अ शॉकर। दिवाली इज कमिंग एंड कोरोना केसेस आर इंक्रीजिंग। नो, आई एम नॉट गोइंग टू स्केयर यू, बट बी केयरफुल गाइस। देश के कुछ हिस्सों में कोरोना के केसेस बढ़ने से टेंशन बढ़ गई है। ये तो चल रहा है, इसके बारे में हम और बात भी कर लेंगे। लेकिन हम लोग 100 करोड़ का ऐसे जश्न मना रहे थे, पार्टी वार्टी चल रही थी कि वाह 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 क्या काम किया, वो भी फ्री मिली है। मेरा बूथ सबसे मजबूत। खैर, यू नो हाउ मेनी डोजेस दिस कंट्री गेव। दिस इज एक्चुअली अ शॉकर फॉर सो मेनी पीपल हु आर एक्चुअली कंफर्टेबली सेलिब्रेटिंग 100 करोड़ डोजेस। बड़ी खबर, वैक्सीनेशन का आंकड़ा 100 करोड़ के पार हो चुका है। एक नया कीर्तिमान देश ने स्थापित किया है। Residents in New Delhi celebrated a new vaccine milestone on Thursday. आज कोविड के खिलाफ मैच में भारत ने शानदार शतक बनाया है। अभी तो 100 पे आ, हमारा जश्न का माहौल शुरू हो गया। Dancing to music and eating sweets. और पार्टीज ने अपनी इलेक्शन रैली से बोलना भी शुरू कर दिया। पर 226 करोड़ डोजेस इन लोगों ने लगा चुके हैं और तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। बहुत सारी वाले, सच में अगर देश को महान बनाना है तो इनको पीछे छोड़ना बहुत आवश्यक है। इसी बात पे गाना लगाया। ओके गाइस, लेट्स टॉक अबाउट न्यूज चैनल्स। यस, हमारे यहाँ न्यूज चैनल जो होते हैं ना, उनपे न्यूज नहीं होती। न्यूज के अलावा सब दिखता है, बस अभी तक पॉर्न नहीं दिखी। चलता एकदम अच्छी वाली आसोल परिवर्तन नहीं, पर ऐसा हुआ है वॉशिंगटन में। सच में न्यूज चैनल पे पॉर्न देखी लोगों ने। फिर न्यूज चैनल ने बोला, यार सॉरी यार, गलती से मिस्टेक हो गई। Bianca was reading the weather report on Washington's KREM news channel when the porn film on the back screen started running. Yeah, this happened in Washington 21st October 2021 and that was the news channel. Check this out. Viewers tuning into the weather forecast on KREM's evening newscast Sunday got more than they expected when an explicit video briefly ran during the segment, Washington police say. मौसम की जानकारी चल रही थी पर किसी और चीज की जानकारी शुरू हो गई। The funniest thing about this is that the anchor looks completely unaware of the video playing on the back screen and she was comfortably telling the weather condition to the people. The anchor name was Michelle Moss and they actually apologized. Good thing is that they said sorry about it. And look at our news channels. They are showing more worse things than porn, but they never apologize. BBC, such a renowned name, वहाँ पे भी ये चुतियापा हुआ है। वहाँ पे कोई मतलब reflection में दिख गया कि यार मैं X videos देख रहा है। BBC viewer spotted a salacious scene on a TV behind this anchor. On the screen appears to be a woman taking her black bra off. Cricket now and England. The news anchor was introduced by the cricket team. It's not clear how or why the X-rated content made its way into the newsroom and more embarrassingly broadcast on TV. You know guys, what happened when the traffic police catch you and you don't have papers? What you will do? You just want to say sorry, sir. शरीफ नागरिक चालान कटवा लेगा, सॉरी बोल देगा, कुछ ज्यादा देर शाड़ा हुआ तो बोलेगा अरे मैं आ रहा हूँ। ये करता है। चल बा। पर बहुत कम ऐसे केसेस होते हैं जब, और ये गलत बात है, हमारी ट्रैफिक पुलिस बहुत मेहनत करती है। उसने बोला कि चलो पेपर दिखाओ, उसने कहा आओ, तो उसने कहा ये देखो यहाँ रखा और डिक्की में डाल के भाग गया। सॉरी, बहुत बुरा किया, बंदे की फाट लगा दी। नाम है सचिन रावल। ये कहानी है ग्रेटर नोएडा की, 20th अक्टूबर की न्यूज है ये। गाली भैया, मेरा मुंह गाली खा गई। और पुलिस वाले को डिक्की में डाल के ले गया। एंड ही ड्रू हिज व्हीकल फॉर 10 किलोमीटर्स। कैन यू बिलीव दैट? पर उसकी अच्छे से लगा दी है, वैसे कार चोरी की थी। और ऐसे बहुत सारे इंसिडेंसेस हुए, दैट वाज रियली हॉरिबल। और हमें हमेशा सम्मान करना चाहिए ट्रैफिक पुलिस का, जब वो हमें रोके पहले तो पेपर लेके घुमा करो यार। खैर, और हेलमेट पहनो, ये सारी चीजें तो ध्यान रखो, कितना मोदी जी करेंगे तुम्हारे लिए। तो ये वाला तो याद होगा, वो बोनट पे ही, मतलब ही वाज अ ट्रू सिंगम। सौ में लगा था।
शॉकर इज दिस शॉकर इज इंटरेस्टिंग एंड आई वांट टू टेल यू वन मोर टाइम. इसलिए मैं कहता हूँ जब तक हिंदुस्तान में सिनेमा लोग चूतिया बनते रहेंगे. न्यूज बताने के पहले ना ये वीडियो देखते हैं. ये मैंने पहले भी दिखाया पर किसी को शायद याद ना हो. बड़ी बड़ी हैप्पी स्टार्ट होती है देखना. अब यहाँ पे मैं खत्म कर देता हूँ. अब कहानी मैं बताता हूँ क्या हुआ कि कानपुर में एक शादी हो रही थी और सडनली हम दिल ने जो सनम की याद आई लोगों को कैसे. सो हियर हस्बैंड गॉट टू नो दैट हिज वाइफ इज लविंग समवन एल्स. सो व्हाट ही डिड, जहाँ पर एक पति ने खुद ही अपनी पत्नी को दूसरी शादी करने की इजाजत दे दी. इसमें नंदनी दौड़ के वनराज के पास नहीं गई, उस समीर को मिल गई. उसने कहा कि अच्छा तुझसे प्यार करती है, चल मैं तेरी शादी करवा देता हूँ. पति नहीं पत्नी का कन्यादान कर दिया. पहले तलाक दिया गया और उसके बाद खुद ही अपने सामने पत्नी की प्रेमी संग शादी करवा दी गई. वाह वाह, ये क्या क्या हो रहा है मोदी जी, मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए. यूपी के रहने वाले पंकज की 6 महीने पहले ही कोमल नाम की लड़की से शादी हुई थी, लेकिन शादी के फौरन बाद ही पत्नी ने बता दिया था कि वो किसी दूसरे शख्स को पसंद करती थी. अब ये जानकर पति ने अपनी पत्नी को आजाद कर दिया. और जैसे कि इस वीडियो से शुरुआत की थी, अब आप समझोगे कि ऐसे ही कुछ गाया होगा. तभी उसके पति ने कहा यार तू ही ले जा जा. मेरा प्यार, मेरा इंतकाम देखेगी, देखेगी जरूर देखेगी. And now the shocker number one of this week, and you all know very well. और ये जो शॉकर की बिजली है ना, ये दिल पे गिरी है क्रिकेट फैंस की. इतना टट्टी खेले, ममता दीदी बताएगी कैसा खेले. Okay, what was so shocking about this match? Yes, we lost badly, but you know, I mean, this was pathetic. ये शॉकर, इसने सच में लोगों का दिल तोड़ दिया, क्रिकेट फैंस का, इंडियन क्रिकेट फैंस का, कि जो 70 बॉल्स हुई उसमें एक चौका तक नहीं मारा. मतलब 5.5 ओवर से लेके 16.3 ओवर्स तक 70 बॉल्स फेंकी गई, लेकिन एक भी चौका नहीं पड़ा. 70 बॉलों के बाद एक चौका पड़ा. पहन जो T20 खेल रहे थे, टेस्ट मैच में भी नहीं खेलता इतना बुरा कोई. अब चलो बार पानी में जाके डूब के बचाओ. बहुत बुरा लगा यार, कुछ शर्म आया है. पर लोग कह रहे हैं कोहली भाई ने इसलिए नहीं जीता कि कहीं पटाखे ना फोड़े लोग, पोल्यूशन हो. चलता. And you know there were so many interesting facts about the match. Ashwin has the best economy rate this match, but he was not playing. जिसके सबसे ज्यादा 50s है T20 वर्ल्ड कप में. यार यार अब क्या बोला जाए, पता नहीं किसकी गलती किसकी नजर लगी, तेरी लगी साले. चलता. यार एक बात बता दूं जाते जाते, ये जो नवंबर का फर्स्ट मंथ होता है ना, बहुत अच्छे अच्छे लोगों के बर्थडे होते हैं. पता है, हिंट दे रहा है. So guess whose birthday this week. Anyway, thank you so much for watching this show. If you liking this concept, please tell us and press the subscribe button and share the video. तो करना. अंधापन किसी के लिए भी, किसी अभिनेता के लिए और स्पेशली किसी नेता के लिए अच्छा नहीं होता. समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो ना. We all are human beings. अपनी भी फिकर कर लो. पेट्रोल के प्राइस देखो. सच्ची. तो दिल्ली में पेट्रोल 108.99 रुपए प्रति लीटर हो गया है, तो डीजल दिल्ली में 97.72 रुपए तक पहुंच गया. Yes guys, the petrol prices, and you know why petrol prices, we are crying a lot. सितंबर 2019 में मोदी सरकार ने मात्र 2 दिनों की कवायद में कॉरपोरेट टैक्स 30% से घटाकर 22% कर दिया. हिंदुस्तान टाइम्स में छपी खबर के मुताबिक इसके लिए प्रधानमंत्री ने आपात और अप्रत्याशित स्थिति में इस्तेमाल होने वाले रूल 12 का सहारा लिया, जिसके तहत पहले फैसला होता है, बाद में कैबिनेट की मंजूरी ली जाती है. बिकॉज ऑफ पेट्रोल अदर थिंग्स आर आल्सो गेटिंग कॉस्टलियर. 12 साल में ऐसा हुआ है जब कॉर्पोरेट टैक्स का कलेक्शन इनकम टैक्स से कम हुआ है और उत्पाद शुल्क का कलेक्शन ऐतिहासिक रूप से कई लाख करोड़ का हो गया है. क्या 1.5 लाख करोड़ की टैक्स छूट की कीमत आम जनता चुका रही है. क्या किया मोदी जी. मैं देश नहीं मिटने दूंगा. बट लीव एवरीथिंग इन टूडेज डेट. व्हाट इज द बिगेस्ट इश्यू फॉर अस. व्हाट. लीव पेट्रोल एवरीथिंग. आज का मैच जीतेंगे कि नहीं, दूसरा मैच न्यूजीलैंड से वर्ल्ड कप T20 में,
और अभी भी दर्द गया नहीं है, पर एक बहुत बढ़िया वीडियो आया है, अ ट्रू क्रिकेट फैन, अ सेंसिबल क्रिकेट फैन, देखना तो बनता है। भाई ने क्या जवाब दिया? इंडिया से हम मुस्कुराएंगे नहीं कि हम नहीं मुस्कुराएंगे तो कौन मुस्कुराएगा यार? क्या हुआ है? वो ट्रोल करना है उसने, ऐसे 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 निकाल 10 विकेट की हार, तो क्या हो गया फिर? कैसे यार, तो गेम है, मौका मौका में तो दो टीवी तोड़ दी। मौका किसने किया? मैंने किया नहीं, जिसने किया उसे पकड़े आप। क्या इवेंट तो बीसीसीआई करा रही है, तभी तो चक्र है। मैं इंडिया से हूँ यार, हमने बीसीसीआई इवेंट करा रहा हमारा। चले ये बताइए, आपको अपॉर्चुनिटी दी है, खेला पाकिस्तान, पाकिस्तान बहुत अच्छा खेला और हम चाहते थे पाकिस्तान ऐसा खेले जिससे पाकिस्तान की क्रिकेट ऊपर आए, पाकिस्तान के लोगों में खुशी आए। यू नो इट्स जस्ट अ गेम, जस्ट थिंक अबाउट ग्लोबल हंगर इंडेक्स। यस, इंडिया हैज बीन रैंक्ड इन द सीरियस कैटेगरी, इट हैज बीन रैंक्ड 101 आउट ऑफ 116 नेशंस। इंडिया पाकिस्तान में जो भी मैच रिजल्ट आया, ठीक है, इट्स जस्ट अ गेम, पर हमको शोर तब मचाना चाहिए था, दुखी तब होना चाहिए था जब ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हम लोग पाकिस्तान से नीचे चले गए। लेट्स आल्सो लुक एट द कंट्रीज दैट हैव बीन रैंक्ड अबव इंडिया इन दिस लेटेस्ट सर्वे। म्यांमार, इट्स ऑन द 71st स्पॉट, नेपाल ऑन द 76th स्पॉट, सो इज बांग्लादेश, एंड पाकिस्तान ऑन द 92nd स्पॉट। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए।